हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है इतराज। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज अपने सामने जो गाड़ी है ना, ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा बात क्या है कि ये गाड़ी ना हर तरह के कस्टमर के लिए फिट बैठ जाता है। जैसे कि आप अगर बदमाशी लाइन का बात करो, वहाँ पर ये कार फिट बैठ जाता है। अगर आप एक फैमिली फ्रेंडली कार देख रहे हो, वहाँ पर ये कार फिट बैठ जाता है। और तीसरा बात, अगर आप इसको मॉडिफिकेशन की तरह ले रहे हो ना, तो वहाँ पर पता नहीं कैसे ये कार फिट हो जाता है। आपने इसका एक से एक मॉडिफिकेशन देखा होगा और सब में ये सूट करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अगली, बहुत ज़्यादा बकवास लगता है, सूट करता है ये। अपने सामने मारुति सुजुकी स्विफ्ट का सेकंड बेस वेरिएंट LXi। स्विफ्ट के अंदर कोई सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल के आता है तो यही वेरिएंट है। इस कार में बहुत सारा एसेसरीज भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो मैं वॉक अराउंड के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या एसेसरीज लगा हुआ है। सो अगर आप ये कार लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ये सारा एसेसरीज देख सकते हो, नहीं तो आप अपना बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा लेना। प्राइसिंग अगर बात करेंगे 6.95 लाख इसका एक शोरूम प्राइस है। वहीं अगर ऑन रोड का बात करें तो मैं अभी खड़ा हूँ राजीव ऑटो मुजफ्फरपुर बिहार में। यहाँ पे आपको इसका मोटा मोटा ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है 8,05,000 रुपये। स्टार्ट करते हैं इसके की से। नॉर्मल अपने पास की है जहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन आपको मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल लॉकिंग भी मिल रहा होगा। तो ये के बाद फ्रंट में देखोगे इसका हेडलैम्प यूनिट, तो अपने पास रिफ्लेक्टर बेस बल्ब मिल जाता है। और फॉग लैम्प जो है ना, ये एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आता इस वाले वेरियंट्स में। बाकी यहाँ फ्रंट ग्रिल आपको मिल रहा है मैट फिनिश के अंदर, और इसमें क्रोम इंसर्ट्स भी आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा बात है। तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है। आते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। और एक चीज़ और, ये जो आप देख रहे हो ना हेडलाइट के नीचे क्रोम, ये भी बंपर प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं, तो ये भी आपको एसेसरीज का पार्ट है। बाकी यहाँ पे देखोगे साइड लुक, तो अपने पास 3845 mm का लेंथ मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा है। काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है, स्पेस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर इसके टायर में आओगे तो अपने पास स्टील रिम मिल रहा है व्हील कैप के साथ, और जो स्टील है ना वो अपना ब्लैक कलर का मिलता है, सो एक बहुत अच्छी बात है। टायर प्रोफाइल कितना है, सो आपको मिलता है 165/80 14 इंच का स्टील रिम है, सो एक बहुत अच्छी बात है। साइड मिरर में ही इंडिकेटर आपको मिल जाता है, जो कि इस वाले वेरियंट्स में मिलता है। नीचे की तरफ जो आप क्लाइडिंग देख रहे हो, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। बाकी 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यहाँ पे क्रोम है अपने पास, ऊपर की तरफ रेन वाइजर, सो ये सारा कुछ तो बंदा कहीं ना कहीं से लगवाता ही है, सो एक बात हो गया। आते हैं यहाँ पे, सो अपने पास 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, पेट्रोल वेरिएंट अपने पास। बाकी इंजन का ही बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। रियर का लुक भी काफ़ी तगड़ा है, यहाँ पे आपको डीप फॉगर और रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप जब देखोगे इसका जो टेल लैंप है, सो वहाँ पे पूरा LED मिल जाता है। बाकी ये भी जो कलर रंग का लगा हुआ है सीरीज का पार्ट है। बाकी इंडिकेटर और रिवर्स गियर लैंप यहाँ पे आपको सेम जगह पे मिल जाता है। बाकी 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर है, और यहाँ पे आपको वही बम्पर प्रोटेक्टर मिल जाता है। बूट स्पेस का अगर बात करें यहाँ से बूट खोल के, तो मेरे पास 268 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। पार्सल ट्रे आपको इस वाले वेरिएंट्स में मिल ही जाता है, ये एसेसरीज का पार्ट नहीं है। और स्पेयर व्हील जो यानी कि स्टेपनी है, वो सेम प्रोफाइल का जो कि कार में लगा हुआ है, यानी कि 14 इंच का। बाकी यहाँ पे आपको फ्लोर मैट वगैरह जो एसेसरीज का पार्ट में है वो यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे कवरिंग वगैरह आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाता है, यानी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हम लोगों ने ओवरऑल इसका पूरा वॉक अराउंड कर लिया है, क्या क्या चीज़ इसमें आपको मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या एसेसरीज लगा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर में, वहाँ देखते हैं क्या क्या फीचर्स हम लोगों को मिलता है और कंफर्ट कैसा मिलता है बेसिकली। सो सामने आप देख रहे हो ड्राइवर साइड का डोर, यहाँ पूरा ब्लैक आउट फिनिश आपको मिलता है। कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ थोड़ा सा मिलता है, बाकी पूरा प्लास्टिक फिनिश है। और ये जो है ना, ये अपना फैब्रिक फिनिश आपको मिलता है, ये ब्लैक कलर का ही है। बाकी नीचे की तरफ आप देखोगे पूरा प्लास्टिक फिनिश है। बोटर होल्डर आपको मिल जाता है। टोटल 4 स्पीकर का सिस्टम आपको, 4 पावर विंडो, लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल और फॉग लैम्प का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर सीट्स का बात करोगे, तो अपने पास इस वाले वेरिएंट में पर्टिकुलरली आपको फैब्रिक सीट मिलता है, लेकिन ये सीट्स कवर लगा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया एसेसरीज का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ऐसे तो बंदा लगवाता ही है सीट्स कवर। बाकी यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, यहाँ रिक्वायरमेंट का मिल जाता है, और यहाँ पे अपने पास सीट मैनुअली एडजस्ट हो जाता है आगे पीछे। सो एक बात हो गया। बाकी कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड है। अब हम चलते हैं कार के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है। सबसे पहले कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। क्लस्टर का यानी कि MID का बात करोगे ना, तो MID भी अपने पास बहुत ज़्यादा, इसको अपने इंस्टाग्राम रील्स में देख रखा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि यार बेस मॉडल का ये MID है। देख रहे हो लेफ्ट साइड में अपने पास RPM मीटर, राइट साइड में अपने पास स्पीडोमीटर है, बीच में छोटा सा डिस्प्ले है जहाँ जिसका इन्फॉर्मेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको देखना है वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। एवरेज दिखाएगा, रेंज दिखाएगा, और कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, उसके नीचे आपको फ्यूल का भी दिखा रहा है, और भी बहुत सारा चीज़ इसमें दिखाता है जब कार चलेगा, सो वहाँ पर वो शो कर देगा। बाकी आप देख रहे हो इसका स्टेयरिंग, सो अपने पास टिल्ट ऑप्शन के साथ मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी आप देखोगे इसका स्टेयरिंग, सो यहाँ पे देख रहे हो लेदर रैप किया हुआ, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, नहीं तो यहाँ प्लास्टिक नहीं जाता। बाकी यहाँ पे क्वालिटी आप देख रहे हो, स्टेयरिंग में आप देख रहे हो वॉल्यूम वगैरह का बटन आपको मिल जाता है, बाकी कॉल वगैरह का आपको बटन मिल जाता है नीचे की तरफ। यहाँ पे इंफोटेनमेंट अपने पास, ये सेमी टच आप इसको बोल सकते हो, ये टच से ही काम करता है, ये पूरा है, वैसे है तो बटन, मगर ये टच से रिस्पॉन्स कर जाता है। बाकी यहाँ से आप स्टेयरिंग से भी वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हो, म्यूट कर सकते हो, और यहाँ से भी वो चीज़ आप कर सकते हो। तो एक बात हो गया, AC वेंट्स आपको मिल जाता है, हज़ार्ड लाइट यहाँ मिल जाता है, बाकी पूरा प्लास्टिक फिनिशिंग है ये, और ये हल्का सा सिल्वर कलर का मिलता है। बाकी अगर इसके यहाँ पे ग्लव बॉक्स का बात करें, तो इसमें भी आपको डिसेंट साइज पे, ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। AC वेंट्स आपको एक यहाँ मिल जाता है, टोटल 2 एयरबैग आपको मिलता है। चलो ओके रिपोर्ट। मैनुअल AC अपने पास, नीचे की तरफ देखोगे
को 12 वोल्ट का सॉकेट, जैक और यूएसबी केबल, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है, दो कप होल्डर है, 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स है, इंजन का बात करेंगे थोड़ी देर में आगे, हैंड ब्रेक अपने पास, थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है, आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, बाकी उस साइड देखोगे सन वाइजर में सो अपने पास यहाँ पे वैनिटी मिरर है, बीच में आप लोगों ने देखा यहाँ पे रीडिंग लैंप अपने को मिल जाता है, मैनुअल IRBM है और इस साइड वाले में अपने को वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। सो एक बात हो गई, बाकी सारा कुछ के बाद हम लोगों ने कर लिया, काफ़ी तगड़ा काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है ये कार, अंदर से भी बैठने में काफ़ी अच्छा है, और ये जो आप देख रहे हो परफ्यूम ये भी एस सीरीज का पार्ट है, तो इसका 200-300 रुपये कुछ दाम पड़ता है अगर आप लोगों ने देखा हो तो। बाकी सीट जो था वो हम लोगों ने पूरा पीछे कर रखा है, आप लोगों ने देखा, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बैठ के कि अपने को पीछे वाला जो सीट है उसमें कैसा स्पेस मिलता है। उससे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल आपको मिल जाता है, पावर बटन यहाँ मिल जाता है, पूरा प्लास्टिक में स्पीकर आपको मिल जाता है, बोटल होल्डर आपको मिल जाता है, बाकी सीट्स तो अपना वही है, और 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया, सो चढ़ने में भी आपको ठीक ठाक है, बाकी यहाँ पे लेग रूम काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, बाकी मैं आपको अगर अपना हाइट बताऊँ तो 5 feet 10 inch मेरा हाइट है, फिर भी अपने को स्पेस काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, बाकी इस वाले वेरिएंट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, सो वो नेक्सा में आता है जो बेस मॉडल से आने लग रहा है, वो सारा कुछ नेक्सा के लिए, इसमें आपको नहीं मिलता वो सारा चीज़, बाकी यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फिनिश मिलता है, ये सीट्स के बाद थोड़ा और प्रीमियम लगने लगा ये कार। चलो अब चलते हैं बाहर, अब मैं आपको इसका ओवरऑल इंजन का बात बता देता हूँ, तो इसमें अगर आप बात करोगे तो 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन मिलता है जो कि 88 bhp निकालता है 113 Nm टॉर्क के साथ, और अगर एवरेज का बात करोगे ना तो ये नॉर्मल अगर आप सिटी में चलाते हो तो 18-20 का देगा, और अगर आप और अच्छे से हाईवे पर चलाओगे तो ये 22-23-24 भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है भाई, क्योंकि ये जो कार है ना इसका वेट के हिसाब से जो इंजन है वो काफ़ी तगड़ा है, 4-सिलेंडर इंजन है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और काफ़ी तगड़ा माइलेज निकाल के आपको दे देता है। बाकी यही था मेरा वीडियो, आपको ये कार कैसा लगा, ये वेरिएंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।